पंखे के जरिए जो धुएं की जो मार है, धुएं से जो होने वाली क्षति है उसके नुकसान को कम करने के लिए पंखे आ गए हैं। डट के मुकाबला करेंगे जी, जो भी रणनीति बनाउणगियां जथेबंदियां उन्हां दे अनुसार चलांगे जी, फतेह हो जाऊगा मोर्चा। किसानों के दिल्ली कूच में अगर सबसे बड़ी बाधा कोई चीज बनी थी तो वो था टियर गैस का जो शेल था, और वो जो टियर शेल लगातार दागे जा रहे थे। देखिए अभी फिर दागे गए हैं 2-3 टियर शेल, और 3 टियर शेल एक साथ यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले हैं वो दागे गए थे, और इन आंसू गैस के गोलों ने ही किसानों का रास्ता रोका। तो आंसू गैस के गोले से कैसा बचना है इसका भी जुगाड़ किसानों ने निकाल लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पंखा है, ये पंखा आप समझते होंगे जो लोग भी किसानी से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं उनको तो पता ही है इसका इस्तेमाल किस चीज में होता है। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि जब फसल काटते हैं तो फसल में से भूसा अलग करने के लिए और फसल को अलग करने के लिए इस पंखे का इस्तेमाल किया जाता है, और बड़ी संख्या में ये जो पंखा है ये धुआं उठा के दूसरी तरफ फेंक देता है। फिलहाल एक ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचा और ऐसे और ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं जो इस ट्रैक्टर को लेकर के आए हैं जिसमें ये पंखा बंधा है, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक बुजुर्ग मेरे साथ हैं। अंकल ये पंखा लाए हो, अब धुआं भगाने का एक तरीका आपने खोज लिया है और हाँ, लगता है इससे आपको फायदा मिलेगा। हाँ जी हाँ जी, जो अथरू गैस छड़दे धुआं जड़ा चढ़दा है साह बंद करदा है, ये फिर साडे कोल तां आही असले ने, साडे आही तोफा ने हड्डियां, धुएं नूं परां करन वास्ते अपनी जान नूं बचाण वास्ते असीं ये फार्मूले तैयार कीते ने। जिवें उहनूं बोरी पहला फार्मूला बोरी वाला सी, पहला बोरी छड़ती थी ही धुआं उत्थे बंब बंद हो जांदा सी। एक बेनती असी मीडिया नूं करांगे भी बहुत वधिया साडी गल देसां प्रदेशां च पहुंचा रहे हैं, एक बेनती असी सारयां नूं करांगे भाई जंग कन्नी ध्यान दिओ, मोर्चे कन्नी ध्यान दिओ, दिल्ली कूच करनी आपां उधर ध्यान दिओ, लोस मिंटां कन्नी गीत गाण कन्नी ना दिओ, तुसी उलझो ना आफ दे विच। सही गल है, देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं बुजुर्ग कि आप जो युवा हैं उनका मुख्य लक्ष्य दिल्ली जाना होना चाहिए, ना कि यहाँ पर टाइम पास करना और ना ही किसी तरीके की और चीजों में पढ़ना। जो ये पंखे को लेकर के आए उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देखिए एक मोटर इसमें लगी हुई है और इस मोटर के जरिए इस अच्छी स्पीड इसमें निकलती है, और जितना भी धुआं है ये करीब 20-30 मीटर दूर इस धुएं को फेंकता है। इस ट्रैक्टर को लेके आए हैं आप, हाँ जी, कितनी दूर ये धुआं फेंक देगा और कितना असर उस जो आंसू गैस का गोला है उसका कम करेगा? ये 20 किलोमीटर तक जाएगी तो इसका हवा जाएगा। 20 मीटर तक? हाँ जी हाँ जी, 20 मीटर तक। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो अभी तो एक आया, इस तरह के और भी मंगाए जा रहे हैं? हाँ, बहुत ज्यादा आ रहे पीछे। अच्छा। तूड़ी वाले मशीन आ रही है हवा फेंकने वाली। अच्छा। इसके बाद ये गोले फेंकते हैं ना, उधर धुआं बहुत आता है उधर से। जो भी आपके रास्ते में बाधा बन रही थी सबसे मेन, उसमें जो पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, इससे लगता है उसका असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और धुआं आप हटा देंगे? हाँ, धुआं पड़ेगा तो साइड में कर देंगे। आप आए कहाँ से? गुरदासपुर से। गुरदासपुर से? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो एक कितनी पावर लगती है इसमें? इसमें बहुत ज्यादा पावर लगती है इसमें। हाँ जी हाँ जी। चलिए, तो अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही आपको आदेश मिलेंगे तो आगे बढ़ेंगे और जहाँ भी वो धुआं होगा उसको आदेश मिलेगा ऐसे करेंगे हम। ट्रैक्टर स्टार्ट रखते हैं? हाँ, वैसे स्टार्ट है। स्टार्ट है। देखिए ट्रैक्टर स्टार्ट, इसको एक बार चला के दिखा पाएंगे आप? तो इसको हम चला के भी दिखाएंगे। देखिए, और जो व्यक्ति देखिए जिसने सबसे आगे रहना है वो आप देख सकते हैं कि आंखों पर आंखों को ग्लास से ढका हुआ है ताकि धुआं जो है वो उनके आगे ना जाए, आंखों पर ना जाए, फेफड़ों में ना जाए, इसके लिए मुंह को भी ढक रखा है। और जो शेल्स, जो गोलियां वहां पर चलाई जा रही हैं, जो पैलेट गन्स हैं, वो ना उनको नुकसान करें इसके लिए दस्ताने भी पहने हैं। भाई क्या नाम है आपका? रविंदर। तो खुद को तो आपने कवर कर ही लिया है, लेकिन जो बाकी और किसान साथी हैं उनको बचाने के लिए आप पंप लाए? किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होने देंगे, इस पंखे से सारा धुआं हटा देंगे। और भी टीम है, साड़ी सारी टीम तैयार हुई भी है। अच्छा, और टीम आई है तो ना लाना दे, हुण तुसी पूरा धुआं चक देना। दीप सिंह जलवेड़ा ਬਾਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗਣ? ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਰਹੇਗੇ? ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਖੁਦ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮੌਜੂਦ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ? ਟੀਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੀ ਮਨਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਚਲੀਏ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ
ठीक है, थोड़ी देर बाद जब इसको चलाएंगे तो हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए नवदीप की टीम, नवदीप वही है जिन्होंने पिछली बार जब किसानों के ऊपर वहां पर किसानों को रोकने के लिए इसी शंभू बॉर्डर पर जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था तो उसका मुंह बंद कर दिया था और जंप करके दूसरे वाटर कैनन पर वो चले गए थे। अंबाला के रहने वाले हैं और वही नवदीप की टीम है जो एक बार फिर किसानों की मदद के लिए यहां पहुंच चुकी है और पंखे के जरिए जो धुएं की जो मार है, धुएं से जो होने वाली क्षति है या धुएं जो नुकसान करेगा किसानों को, उसके नुकसान को कम करने के लिए पंखे आ गए हैं और कई तरह की मशीनें, आधुनिक मशीनें जो किसानों के लिए घरों में कई सालों से पड़ी हैं उसका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है ताकि किसान अब और परेशान ना हो और किसान आज फतेह कर ले और आज किसान आगे की तरफ बढ़ जाए। तो तैयारी देखकर तो लग रहा है कि आज तो फतेह कर ही देंगे। हो जाएगा फतेह जी, हो जाएगा शाम तक तो फतेह बुला देंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। तो कितना समय और आपको लगता है कि आज जब आप कल, क्योंकि 10 बजे की कॉल थी और 12 बजे के आसपास आपने आगे बढ़ना शुरू किया था कल, सर कल तो प्रशासन की बड़ी तैयारी थी, रोक ली है, इसके अलावा आपकी क्या तैयारी है? आज फुल तैयारी है जी, जो भी साड़ी जथेबंदियां दा हुक्म होगा ओदे अनुसार डट के मुकाबला करांगे जी, जो भी रणनीति बनाउणगियां जथेबंदियां उन्हां दे अनुसार चलांगे जी, फतेह हो जाऊगा मोर्चा आज पार कर जाएंगे जी। वेखो जी ए परमात्मा दे हाथ वास्या जां मोदी कंजर दे हाथ वास्या, गाल ते कढ़नी नहीं पर कढ़नी पैगी, वड्डा खट्टड़ कंजर ठेठर जान दा। चलिए ठीक है, अब शब्दों का इस्तेमाल ना करें, मेरी बेनती है, रिक्वेस्ट है कि किसी भी नहीं, गुस्सा ठीक है, गुस्सा जाहिर करने की और बहुत सी चीजें हैं। आप मोदी साहब थानू लोगों ने चुनिया सी भाई सानू कोई सहूलत देगा, साडे वास्ते कोई सुख लेके आवेगा, पर तू तो साडे वास्ते दुख लेके आ गया, ये बहुत वड्डी माड़ी तेरी यह कारगुजारी है। देखो ये जिमीदारां दे सिर ते किसानां दे सिर ते ये दुनिया चल रही है, जे वेख्या जावे ये अन्नदाता है, अज बसंत भी है मगर संक्रांति भी है, पर मोदी साहब नू यह समझ लेना चाहिए है कि इन्ना तू दुनिया नू दुख ना दे, दुनिया का खून ना पी, अपने आप च तू इन्ना मगरूर हो गया भी जेडे कानून पहला बनाए हुए उन्हां नू तू बंद करके ते अपने शुरू कर दिते ने, ये तेरे वास्ते बहुत माड़ी गल है, ये नहीं करना चाहिए। कित्थों आए आपां? असीं आए हां जी समाणा मंडी। समाणा कितनी उम्र है? मेरी उम्र है जी 65 साल दी। हां जी ते तुसीं भी नाल मोर्चा फतेह करन लई आए? बिल्कुल आए हां जी। कल तों डटे? बिल्कुल जी, मैं तो ये गल कहांगा भई सारी संगत नूं, सारे भरावां नूं, ओ जागो, ये हुण जागण दा टाइम है, जे तुसीं हुण भी अंदरां च वड़े रह गए ना ते तुहाडियां ए बहुत माड़िया नीतियां ने इन्हां दियां, साडियां ते बहु बेटियां नूं भी कल नूं ए हथ पाणगे, ए इहो जे विगड़े लोक ने क्यों हुण भी पा रहे ने, आ देखो की कर रहे ने, एक निहत्थे लोक किसान वीर ते उन्हां दे उपर ये आंसू गैस दे गोले छड़ रहे ने, ट्रैक्टरां च गोलियां मार मार टायर पाल रहे ने, कोई ये राजनीति है? ये राजनीति नहीं, ये एदी प्रधानमंत्री, ये इनू कोई भी नहीं कहेगा भी ऐसा चंगा प्रधानमंत्री है, ये तानाशाही है। कल की रात आप लोगों ने शंभू बॉर्डर पर बिताई, आज की रात यहीं पर बिताने में मजबूर होते हैं या आगे चले जाएंगे? जिन्ना चिर साडा कोई मसला हल नहीं होंदा वापस नहीं जावांगे, ये असी बैरीकेड भी तोड़ांगे, लंघांगे असी, जद संगत दे अगे फिर कोई अड़दा नहीं, जद संगत अरदास करके तुर पैंदी है ना। बाबा दीप सिंह जद अमृतसर आजाद कराउण गया सी ना, ते जदों बाबा दीप सिंह ने अरदास कीती सी ना भई मैं अमृतसर आजाद करा के मुड़ांगा, ते हुण इहने कहा सी ओ बाबा जी ए तेरे बचन नेपरे नहीं चढ़न देंगी, ओ बाबा दीप सिंह ने कहा होनीए सिंह बचना दे पक्के कर अरदासा तुर पए, बचना दे पक्के असी फड़ फड़ जम लंघा दीए सूईयां दे नके, ओ सानू अमृतसर वल जांदे अज केड़ा डके, ओ सानू दिल्ली वल जांदे अज केड़ा डके, असी भी हौसला कितना है किसानों में, दिल्ली की ओर जाने के लिए कौन रोक सकता है? अभी कुछ तस्वीरें मैं और आपको दिखाऊंगा, देखिए किसान 65 साल 70 साल की उम्र में भी कितना जबरदस्त हौसला है और साफ तौर पर इनका कहना है कि हमें किसान जो हैं हमें पुलिस प्रशासन रोक नहीं पाएगा। और देखिए बोरियां यहां पर आ गई हैं और इन बोरियों के जरिए वो जो ट्रैक्टर ने जिस ट्रैक्टर के जरिए जो बैरिकेड है उसको तोड़ा जाएगा, बैरिकेड हटाया जाएगा, उस पर टियर शेल का नुकसान ना हो उसे बोरियों से, गीली बोरियों से ढका जा रहा है और जो किसान
जिस ट्रैक्टर को चलाएगा जो चालक है वो यहाँ पर किसी तरह से बाधित ना हो, उसको धुएं का असर ना हो, इसकी भी पूरी तैयारी है। आंख पर देख सकते हैं कि काला और चश्मा भी डाला है और ग्लास पूरे तरीके से आंखों पर लगा लिए गए हैं। कैमरामैन को मैं कहूंगा कि रविंदर को कि आगे आए और दिखाएं कि देखिए हाई टेंशन वायर केबल यहाँ पर साथ में लाई गई है और इस केबल के जरिए जो बैरिकेड बचा है उसको उखाड़ना है। कल दो बैरिकेड उखाड़े थे तो आज जो मजबूत बैरिकेड जिसमें आरसीसी सरिया है उसको भी निकालने का, देखिए वो बोरियां, देखिए आप बोरियां दिखाएंगे, वो देखिए गीली बोरियां ले गए हैं ताकि आंसू गैस के गोले जब दागे जाते हैं तो उस पर उसको लगा करके उसके धुएं को कम किया जाए। और ट्रैक्टर बिल्कुल तैयार हो चुका है और जो कमी कल रह गई थी उस कमी को पूरा कर रहे हैं किसान, उसको दूर करके आगे की ओर बढ़ना है। और ये देखिए बोरियों पर पानी डाला जा रहा है और ताकि धुएं के असर को कम किया जा सके। भाई कल जो कमी रह गई थी, जो रह गया था बैरिकेड, आज उसको निकाल, आज सारी कमी पूरी कर देंगे जी। कितने बैरिकेड और बचे? तीन बचे भेज बस। चलो तो तीन बैरिकेड बचे हैं, उन बैरिकेड को भी आज तोड़ करके किसान आगे की ओर बढ़ जाएंगे। और देखिए किसानों को आप सुन रहे हैं, देखिए हेलमेट यहाँ पर पहने हुए हैं और बॉडी को अपने शरीर को कवर किया हुआ है ताकि पैलेट गन का भी इन पर कोई असर ना हो। पैलेट गन से बचने के लिए भी किसानों ने अपने शरीर को सुरक्षा कवच से कवर कर लिया है। और पानी डाला जा रहा है, सामने पतंगे उड़ाई जा रही है, 5 से 7 पतंगे यहाँ पर देखिए, आज बसंत है तो आसमान में है और किसान जोश में है। और फिलहाल किसान यहाँ पर ये संदेश देता हुआ कि उन्हें सरकार की दमनकारी नीतियों से रोका नहीं। मैं किसान यूनियन का प्रधान कायदा सोया खुर्द से आया हूँ। हमने 3 दिन हो गए यहाँ आए को, पर असी आंदोलन करने आया, ना कोई साडे लवे रोड है ते ना कोई डंडा सोटी है, जो काले कानून उन्होंने वापस करने वास्ते मोदी जी को बेनती करने आए है। वाहेगुरु जी का खालसा। वाटर कैनन से बचने के लिए वहाँ खुद को देखिए पानी का असर ना हो, इसलिए किसान किसानों के जो नौजवान हैं वो इस पूरे कपड़े से खुद को ढके हुए हैं। देखिए खुद को किसान आगे जा रहे हैं। चले चले किसानों ने देखिए तैयारी किस तरह से की हुई है, ये तो आपको दिखा रहे हैं। एतराज जरूर यहाँ पर किसानों द्वारा किया जा रहा है क्योंकि साफ तौर पर उनका कहना है कि किसान जब आगे बढ़ता है और उसकी खबर को गलत तरीके से दिखाया जाता है तो वो गुस्सा जरूर उनका कहीं ना कहीं निकलना है। और देखिए तोप बताया जा रहा है और देखिए ये पंखा भी अब आगे की तरफ चला गया है क्योंकि तैयारी शुरू हो गई है। और टियर गैस जब दो यहाँ पर इन पर फेंका जाएगा तो टियर गैस के जो शेल्स हैं उनका आंसू, उनसे जो धुआं निकलना है उनका उनका जो धुआं है वो ना जाए, इस तरह से किसान यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए बाइक्स पर भी यहाँ पर कुछ लोग आपको दिखेंगे और देखिए किसान लगातार, हम किसानों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आगे की ओर किसान बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और पतंगे हवा में हैं, पतंगे लहरा रही हैं और किसान ट्रैक्टर लेकर के अब आगे की तरफ है। पानी की कमी ना हो इसलिए पानी पहुंचाया जा रहा है और देख सकते हैं कि किसानों की तैयारी किस प्रकार है। प्रशासन अगर तैयार है तो किसान भी तैयार है और अब किसान टकराने के लिए पूरे तरीके से सरकार के साथ आगे बढ़ गया है। किसानों की रणनीति क्या है, क्योंकि प्रशासन की रणनीति मीडिया को दूर रखा जा रहा है तो किसानों की रणनीति से भी अब कहा जा रहा है कि पत्रकार अगर पीछे रहे तो ज्यादा अच्छा है ताकि ये चीजें सरकार तक ना पहुंचे, प्रशासन तक ना पहुंचे और वो मोर्चा फतेह कर पाने में कामयाब रहे। आज किसान आगे की तरफ बढ़ जाएं, इसलिए तरह तरह की जो तैयारियां हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तैयारी किस प्रकार है ये आपने देखी, लेकिन अब किसान हरियाणा की तरफ बढ़ने के लिए बेताब है। आदेश हो चुके हैं और तैयारी पूरी कर ली गई है। किसानों ने प्रशासन की तरफ से जो कुछ भी कार्रवाई की जाती है उसको रोकने के लिए और उसका असर कम करने के लिए अपनी तैयारी की है और अब किसान आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। कैमरा पर्सन वरिंदर के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, शंभू बॉर्डर।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।